जिला कांग्रेस कमेटी मंडे द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रैली के माध्यम से अपना रोष व्यक्त किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने डीसी मंडी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बल्क क्षेत्र के पूर्व विधायक व जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई वृद्धि से आम व्यक्ति की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार का घेराव करते हुए कहा कि अगर महंगाई को रोका नहीं गया तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज हमने जिलाधीश महोदय के माध्यम से गवर्नर हिमाचल प्रदेश को एक ज्ञापन भेजा, उसमें जो दिल्ली सरकार, जो मोदी सरकार जिसने पूरे भारतवर्ष में महंगाई फैलाई है, आज देखिए डीजल और पेट्रोल के रेट कहां पहुंचे। हम जानते हैं कच्चे तेल के भाव क्या हैं, आज $42 पर बैरल आज देश में कच्चे तेल का भाव है। और जब कांग्रेस की सरकार जब मनमोहन सिंह के अध्यक्षता में कांग्रेस सरकार भारतवर्ष में थी तो $140 पर बैरल के ऊपर रेट था, और मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान में जो पेट्रोल और डीजल के भाव थे वो 55 से 60 रुपए थे। आज जहां 40 रुपए 42 रुपए है तो आज तेल और डीजल का रेट जो है वो 80 रुपए के करीब है। इसमें जो एक्साइज ड्यूटी मेरे ख्याल है 52 यानी 52 रुपए गवर्नमेंट ले रही है, जबकि एक्चुअली डीजल और पेट्रोल का रेट होना चाहिए था हिंदुस्तान में 28 या 29 रुपए होना चाहिए था। कितनी बेईमानी लोगों के साथ, ये मोदी सरकार का काम है। हम मोदी सरकार को चेतन करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ आप हिंदुस्तान में जो महंगाई फैला रहे हैं उसको रोकिए, नहीं तो हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी, आज जब हम मंडी से चले हैं हिमाचल प्रदेश में हर जिला में हम आज सड़कों पे हैं, हम सड़कों में आ जाएंगे उतर जाएंगे और लोगों की भलाई के लिए जो महंगाई है उसके लिए हम विरोध करेंगे और बार बार हम सड़कों पर आएंगे जब तक आप ये महंगाई नहीं रोकेंगे। आपने देखा जब 2007-08 में जब हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस सरकार के दौरान हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस आए थे, पर मनमोहन सिंह के माध्यम से हिंदुस्तान में कोई क्राइसिस नहीं आया। अमेरिका जैसी कंट्री के ऊपर भी क्राइसिस आए थे, ये मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री का रोल था जिन्होंने हिंदुस्तान में कोई महंगाई नहीं बढ़ने दी, उसकी रोकथाम उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर की। जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के सदस्य ने कमेटी अध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी की अगुवाई में पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रैली के माध्यम से नारेबाजी की और हिमाचल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि महंगाई को रोका जाए।